सरस्वती हेरिटेज बोर्ड उपाध्यक्ष दुमन सिंह किरमज ने कहा कि सरस्वती नदी में 12 महीने पानी रहे इसी लक्ष्य को लेकर 2024 से पहले काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी में अब गंदा पानी नहीं डालने दिया जाएगा। दुमन सिंह किरमज ने कहा कि सरस्वती नदी का कायाकल्प हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और पुरातत्व विरासत से जुड़ा विषय है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष दुमन सिंह किरमज ने कहा कि सरस्वती नदी में 12 महीने पानी रहे इसी लक्ष्य को 2024 से पहले पूरा करने का प्रयास तो किया ही है, साथ ही सरस्वती नदी में गंदा पानी नहीं डालने दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। दुमन सिंह किरमज के अनुसार सरस्वती नदी का कायाकल्प हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ विषय है। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष दुमन सिंह किरमज ने बताया कि आदि बद्री से लेकर सिरसा तक सरस्वती नदी का पहुंच क्षेत्र है। सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार को लेकर सरकार बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में लगी हुई है। डैम, बैराज और रिजर्व वायर का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। सरस्वती नदी के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किसान बढ़ चढ़कर अपनी जमीन दे रहे हैं। किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। आदि बद्री से लेकर नीचे हमारा सिरसा तक सरस्वती का अपना क्षेत्र है, तो सरकार इसको लेकर बहुत बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी में लगी हुई है। अभी डैम का, बैराज का और रिजर्वायर का काम मुझे लगता है कि अक्टूबर तक हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बोलती है शुरू हो जाएगा, और उसके बाद नीचे तक का हमारा जो एक लैंड इशू था, लैंड भी हमारा इशू क्लियर हो गया। जनता किसान जो है बढ़ चढ़कर अपनी जमीनें भी आगे दे रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात हमारे लिए है और किसानों के लिए है, बड़ा श्रद्धा का विषय आज लोगों के बीच में है। 122 के करीब हमारे मंदिर और घाट बीच बीच में पड़ते हैं सरस्वती के किनारे पर, लोगों में श्रद्धा सरस्वती के प्रति ज्यादा बढ़ी है। अब लोग आगे बढ़कर सफाई में भी ध्यान दे रहे हैं, कई बार कूड़ा करकट लोग डाल देते हैं उससे भी रुकते हैं, तो यानी कि एक जागरूकता इस सरकार आने के बाद जनता में सरस्वती के प्रति बढ़ी है। जो प्रोजेक्ट माननीय मनोहर लाल जी का जो सपना है कि 24 घंटे पानी 12 महीने रहे सरस्वती में, वो मुझे लगता है कि 2024 से पहले हम पूरा कर लेंगे, लेकिन आज भी 200 किलोमीटर की हमारी रीच में से 180 किलोमीटर में आज भी पानी चल रहा है, और इस पानी चलने पिछले दो सीजन से हम पानी चला रहे हैं। इस पानी चलने से इतना फायदा है कि आसपास का किसान लगभग सरस्वती से 10 किलोमीटर एरिए का किसान जो है वो इतना खुश है क्योंकि वाटर लेवल बढ़ा है। जो हर बार एक पाइप नीचे देते थे समर्सिबल को चलाने के लिए, अब की बार नहीं दिया गया, तो यानी कि ये सरस्वती नदी इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा वरदान साबित होगी, ना केवल सांस्कृतिक दृष्टि से बल्कि किसानों की दृष्टि से भी बहुत बड़ा फायदा किसानों को होने वाला है। सर, पर्यटन की दृष्टि से भी इसको विकसित, बिल्कुल पर्यटन की दृष्टि से भी, जो माननीय मनोहर लाल जी पीछे आपने आदि बद्री में देखा था, उनका एक सपना है कि कपाल मोचन, अपना कलेसर जंगल, सरस्वती, लोहगढ़ को भी कितने अच्छी तरह से मुख्यमंत्री जी डेवलप कर रहे हैं। इस सारे के सारे एक तरह से सबको कनेक्ट करके बड़े लेवल पर इसको टूरिस्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। डैम बैराज अगर बन जाएंगे उससे तो थोड़ा और ज्यादा टूरिस्ट बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि आदि बद्री आने वाले समय में जिस तरह का सपना माननीय मनोहर लाल जी का है, मुझे लगता है वो पूर्ण होगा।